शहर कोतवाली इलाके के गांधीनगर मोहल्ले में टीवीएस एजेंसी मालिक के आवास पर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। एजेंसी मालिक की शिकायत के आधार पर एसपी सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर हर पहलू की जांच कर घटना के खुलासे के निर्देश दिए हैं। महोबा शहर के गांधीनगर इलाके में रहने वाले चर्चित व्यापारी और टीवीएस एजेंसी के मालिक संदीप साहू ने आज महोबा कोतवाली पुलिस को मोबाइल फोन के जरिए एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए की नकदी सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर फॉरेंसिक टीम के साथ भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंच अलमारी से निकलने वाले केस सोने चांदी के सामान के बैगों की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अलमारी पर लगे फिंगरप्रिंट को लेकर हर पहलू की जांच की जा रही है। सर्विलांस और एसओजी टीम सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एकजुट करने में जुटी हुई है। व्यापारी का आरोप है कि पेट्रोल पंप का करीब 2 दिन का कैश था। इनके पास कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई थी। जिस तरह का शिकायती पत्र इनके द्वारा कोतवाली में दिया जाएगा, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जाएगी। घटना का जल्द अनावरण किया जाएगा। शाम को पुलिस को एक सूचना मिली है कि ये एक व्यापारी हैं जो कि यहाँ गांधीनगर में रहते हैं, और इनके द्वारा ये सूचना दी गई पुलिस को कि जब ये इनका आगमन शाम को हुआ है अपने घर में और जब ये ऊपर गए हैं, तब इन्होंने देखा है कि इनके कमरे जो है उसमें कुछ इनकी एक अलमारी है जिसको तोड़ करके उसमें से सामान निकाला गया है, कैश निकाला गया है। इस तरह की सूचना इन्होंने दी थी, जिसके आधार पे सब लोगों द्वारा इस स्पॉट पे पहुंचा गया है और सर्विलेंस टीम को, एसओजी टीम को भी बुला लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेरे द्वारा एडिशनल और सीओ साहब द्वारा भी इस स्पॉट को देखा गया है, विस्तृत जानकारियां कलेक्ट की गई हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैम, कितने लाख रुपए ले जाने का आरोप लगाया गया है? देखिए, इनका कहना है कि इनके पास कुछ दिनों का 2 दिन का पेट्रोल पंप का जो इनका कैश था वो है लगभग, इन्होंने कुछ कुछ बताया है हमको, जो 2 दिन का था उसके हिसाब से, और इन्होंने कुछ ज्वेलरी बताई है जो कि इनके पास रखी हुई थी इनकी, वो सब कुछ मिला करके इन्होंने बताया है और जो अमाउंट है वो इनकी तहरीर में अब हमारे पास आएगा, उससे स्थिति क्लियर होगी, जिसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की जाएगी।